फिर हॉस्पिटल में एडमिट हुए गोविंदा। दोस्तों, पिछले महीने गोविंदा से गलती से अपने ही पैर पर गोली चल गई थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। डॉक्टर्स ने गोविंदा को 4 हफ्ते के रेस्ट की सलाह दी थी। पैर में चोट लगने के 1 महीने बाद एक बार फिर से गोविंदा की तबीयत बिगड़ गई है, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। दरअसल गोविंदा चुनावी रैली में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के जलगांव में मौजूद थे। वहां उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें इस रैली को बीच में ही छोड़ना पड़ा। माना जा रहा है कि गोविंदा के सीने में दर्द उठा, जिसके बाद एक्टर को हॉस्पिटल ले जाया गया। वह आपको बता दें, गोविंदा मुंबई वापस लौट आए हैं। हालांकि उनकी हेल्थ को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट्स की माने तो गोविंदा जब जलगांव के पचोरा में रैली कर रहे थे, उस दौरान अचानक से उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। एक्टर जलगांव में विधानसभा चुनाव के लिए महायुति उम्मीदवारों के प्रचार के लिए पहुंचे थे। एक्टर को वहां पर 4 रैली में हिस्सा लेना था। गोविंदा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के लिए चुनावी रैली कर रहे हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि गोविंदा ने हाल ही में सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने के बाद राजनीति की दुनिया में फिर से एंट्री ली है। इसी वजह से वो आने वाले महाराष्ट्र चुनाव से पहले प्रचार कर रहे हैं। हालांकि उन्हें आज अपना रोड शो छोटा करना पड़ा और मेडिकल हेल्प लेने के लिए वापस मुंबई लौटना पड़ा। इससे पहले अक्टूबर में गोविंदा को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जब उन्होंने गलती से अपने ही पैर में गोली मार ली थी। वेल, आपको याद होगा, हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद एक्टर को व्हीलचेयर पर देखा गया था। हालांकि दिवाली के दौरान एक्टर की पत्नी सुनीता आहूजा ने भी फैंस को उनकी हेल्थ अपडेट देते हुए बताया था कि एक्टर अब रिकवर हो रहे हैं। वेल, आपको याद होगा जब गोविंदा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे थे, किस तरह से उनकी वीडियोज इंटरनेट पर वायरल हुई थी और फैंस उनकी हेल्थ को लेकर काफी परेशान हो रहे थे। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है गोविंदा को लेकर, कमेंट करके हमें अपनी राय बताइए। इसी तरह टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी हुई ढेर सारी अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक के पेज पर देख रहे हैं तो वहां भी इसे जल्दी से फॉलो करें।